ज्ञानधारा अरसोली चैनल से जुड़े समस्त साथियों को नमस्कार। साथियों फिर हाजिर हैं आपके कुछ सवालों के जवाबों के साथ में। बहुत से साथियों के द्वारा कमेंट के माध्यम से पूछा गया है कि क्या बीएसटीसी और जो पीटीटी परीक्षा है क्या अपनी नियत तिथि पर संपन्न हो जाएगी। सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि नई शिक्षा नीति रीट बीएसटीसी और बीएड इन तमाम परीक्षाओं पर क्या प्रभाव डालने वाली है। इसी के साथ आपको बताएंगे कि कॉलेज जो अंतिम वर्ष की परीक्षाएं हैं वो क्या यूजीसी के मानदंडों के मुताबिक तय तिथि पर सितंबर से पहले पहले तमाम जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके द्वारा ली जाएगी। तो अपने इन तमाम सवालों के जवाब के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ में अंत तक। और जो साथी पहले बार इस वीडियो को देख रहे हैं आपको बता दें, यदि आप बीएसटीसी पीटीटी रीट स्कूल या कॉलेज परीक्षाओं से जुड़ी हुई समस्या आपके पास कोई है या फिर आप इनसे रिलेटेड कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करके और हमारे चैनल के सदस्य बनकर तुरंत अपनी कमेंट के माध्यम से जो सवाल है कमेंट करिए, हम आपकी सवालों का जवाब तुरंत देने का पूर्ण प्रयास करेंगे। तो साथियों ये राजस्थान के बेरोजगार और जो विद्यार्थी परीक्षार्थी उनको समर्पित चैनल है जिन पर हम आपकी जो तमाम समस्याएं उनको हल करने का पूर्ण प्रयास करते हैं। देखिए साथियों सबसे बड़ा सवाल कि क्या बीएसटीसी और पीटीटी अपनी नियत तिथि पर संपन्न हो जाएगी। मैं आपको बता दूं कि बीएसटीसी जिसमें लगभग 7.25 लाख के आसपास आवेदन आ चुके हैं, इतनी बड़ी एक तरीके से मान सकते हैं इतनी बड़ी एक प्री टेस्ट है जिसका आयोजन राज्य सरकार के लिए एक बड़ी चुनौती है। इसलिए मैं आपको बता दूं पीटीटी हो या बीएसटीसी ये दोनों परीक्षाएं साथियों अगस्त में कंडक्ट करवाना बिल्कुल भी संभव नहीं है। जो साथी हमारे चैनल पर पहले से जुड़े हुए हैं मैं पहले से ही उनको बता रहा हूँ कि बीएसटीसी और पीटीटी दोनों परीक्षाओं के लिए नोटिफिकेशन ज़रूर जारी होगा। नोटिफिकेशन जारी होने से पहले हमने हमारे जो जुड़े हुए दर्शक उनको बता दिया था कि 100% सरकार नोटिफिकेशन जारी करेगी लेकिन अगस्त में परीक्षाएं कंडक्ट होना ये संभव नहीं है। मैं आपको बता दूं आप लगातार साथियों अपनी तैयारी जारी रखें लेकिन आपकी जो परीक्षा है वो बिल्कुल भी अगस्त में संभव नहीं है। आप अक्टूबर को टारगेट मानकर सितंबर और अक्टूबर को टारगेट मान करके और अपनी तैयारी लगातार जारी रखें। इसी के साथ बीएसटीसी और पीटीटी पर नई शिक्षा नीति के यदि प्रभाव की बात करें तो नई शिक्षा नीति में साथियों अभी स्टेट गवर्नमेंट पे डिपेंड है कि वो जो अमेंडमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा लाए गए हैं उनको कितना लागू कर पाती है। अभी तक कोई ऐसा प्रावधान नहीं है जिसमें फर्स्ट लेवल के अंतर्गत जो बीएड वाले हैं उनको शामिल किया जाएगा। हालांकि साइंस के जो परीक्षा परिणाम था 12th क्लास का उसके समय शिक्षा मंत्री के द्वारा बयान दिया गया था और उसके बाद काफ़ी विवाद की स्थिति भी बनी थी जिसके चलते लगातार जो छात्र हैं उनके द्वारा विरोध प्रदर्शन भी किया जा रहा है। लेकिन नई शिक्षा नीति का यदि बीएसटीसी बीएड पर प्रभाव की बात करें तो इतना है कि 2 वर्षीय जो बीएड पाठ्यक्रम है उसको बंद किया जा सकता है क्योंकि 4 वर्षीय जो इंटीग्रेटेड पाठ्यक्रम है उसको सरकार प्रमुखता से प्रोटेक्ट करना चाहती है। जहाँ तक रीट परीक्षा की बात है बहुत से साथी लगातार ये भी पूछ रहे हैं कि रीट क्या आखिर सितंबर में कंडक्ट हो पाएगी। रीट सितंबर की तो आप बात छोड़िए 2020 में भी कंडक्ट नहीं हो पाएगी, इसलिए क्योंकि मैं आपको बता दूं रीट में जो बड़ा पेच है वो बड़ा पेच सिलेबस का है। अभी तक इसका जो पाठ्यक्रम है और इसकी जो पेपर की जो सेट है वो भी अभी तक तैयार होने के बारे में डिसीजन नहीं हो पाया कि आखिर कौन से सब्जेक्ट को ज़्यादा वेटेज दिया जाए। देखिए साथियों बिल्कुल स्पष्ट है कि रीट अभी 2020 में होने वाली नहीं है क्योंकि अब नई शिक्षा नीति आने के बाद तो बिल्कुल स्पष्ट है कि रीट और कुछ नए शिक्षा मंत्री जी के द्वारा जो बयान दिया गया था उसको लेकर जो विरोध की स्थिति उत्पन्न हो चुकी है उसके चलते 2020 में रीट होगी ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है। हाँ इतना ज़रूर है कि अगले वर्ष रीट बिल्कुल सरकार की फर्स्ट प्रायोरिटी होगी जल्द से जल्द इसको कराने की। लेकिन जो फर्स्ट लेवल वाले बीएसटीसी के परीक्षार्थी हैं निश्चिंत होकर अपनी तैयारी करें, बिल्कुल रेयर चांस है कि बीएड वालों को इसमें शामिल किया जाए और लेकिन आप अपनी तैयारी लगातार ज़रूर जारी रखें। बिल्कुल भी आप देख सकते हैं कि जो बीएसटीसी धारी लगभग प्रदेश में 3 लाख से ज़्यादा हैं वो लगातार इसके बारे में विरोध भी कर रहे हैं। प्रदेश भर में परीक्षार्थी लगातार जो रीट परीक्षा है इसकी तैयारी में लगे हुए हैं लेकिन अभी तक पैटर्न को लेकर असमंजस की स्थिति है कि आखिर क्या पैटर्न
रखवाया जाएगा रीट के लिए, जो परीक्षा आयोजित होगी फर्स्ट लेवल के लिए और सेकंड लेवल के लिए। अब बात कर लेते हैं कॉलेज अंतिम वर्ष की परीक्षाओं को लेकर, जो लगातार साथी हमसे जुड़े हुए हैं। मैं पहले से ही आपको बता रहे हैं कि अंतिम वर्ष की परीक्षा हर हाल में आयोजित होगी, किसी भी सूरत में अंतिम वर्ष की परीक्षा ऐसा नहीं है कि रद्द कर दी जाएगी, क्योंकि इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट भी स्पष्ट रूप से कह चुका है। साथियों, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने ये स्पष्ट कर दिया है, 10 अगस्त को इसकी सुनवाई भी होने वाली है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पिछली सुनवाई में भी स्पष्ट किया था कि यूजीसी जो ये मानदंड रख रही है तो यूनिवर्सिटीज को वो परीक्षाएँ कंडक्ट करवाना बिल्कुल अनिवार्य है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि अंतिम वर्ष की परीक्षा रद्द नहीं की जा सकती, क्योंकि ये शैक्षणिक भविष्य के लिए ज़रूरी है। एक देश और एक परीक्षा अर्थात एक डिग्री में एक रूपता होना बहुत ज़रूरी है। अधिकांश यूनिवर्सिटीज परीक्षाएं कंडक्ट भी करवा चुकी हैं। अंतिम वर्ष के परीक्षार्थी हैं वो लगातार अपनी तैयारी जारी रखें, किसी भी प्रकार से भ्रमित ना हो। आपकी परीक्षाएं जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके द्वारा अपने स्तर पर आप अपने तरीके से ज़रूर कंडक्ट कराई जाएगी। जो साथी लगातार हमसे जुड़े हैं हम अंत तक यही कह रहे हैं शुरू से कि आपकी अंतिम वर्ष की परीक्षाएँ हर हाल में आयोजित होंगी। लेकिन साथियों, बड़ी बात नई शिक्षा नीति की है। नई शिक्षा नीति में जो भर्ती परीक्षा टीचर्स की थी उसमें बताया गया था कि इंटरव्यू लागू होगा, इसको लेकर राजस्थान सरकार कतई भी इसको लागू करने के मूड में नहीं है। इसलिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, इंटरव्यू को लेकर राजस्थान सरकार जहाँ तक पॉसिबल है इंटरव्यू को लागू नहीं करेगी। तो साथियों, ये कुछ आपकी